तो देख सकते हैं आपकी ये तमाम फड़ी है, यहाँ पे खड़ी है, ये पार्किंग लाइन है और पार्किंग लाइन के अंदर ये सारी की सारी रेडियां खड़ी हैं और शाम के टाइम में पूरा ब्लॉक जाम हो जाता है। शाम के टाइम स्पोर्ट्स पर्सन का आने का टाइम होता है क्योंकि अब वो स्कूल में है, ट्यूशन में है। शाम के टाइम मेरे बच्चे आएंगे, ऊपर आप कैमरा फोकस करके देख सकते हैं, वहाँ मेरी एकेडमी है। शाम के टाइम बच्चे आएंगे तो वो कहाँ अपनी एक्टिवा मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, पूरा जाम यहाँ ब्लॉक हो जाता है जितना भी है। आप लोग हमारे कोई अंदर लगवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत। हाँ मैंने कही आप उठा के ऊपर रख लो, बात खत्म। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन भी तो सपोर्ट करेगा, यदि मान लो आप रखवा दे तो कल को प्रशासन वहाँ से हटा देगा, जी वो तो हमने पार्किंग के लिए बनाई है। देखो सबसे बड़ी बात है, चलो मान लो हम उठा के ऊपर करें लेकिन प्रशासन भी हमें परेशान ना करे, हमें तो रोजी रोटी। आप भी यहाँ पे फड़ी लगा? हाँ जी हाँ जी, मुझे पीएम समिति का वेंडर्स हूँ मैं भी, मुझे मेरे पर लाइसेंस है। कितने कितने सालों से लगा? मैं 17 साल से लगा रहा हूँ, मेरी 60 साल की उम्र है। क्या चाहते हैं आप लोग की? हम तो ये कहते हैं जैसे शांतिपूर्वक हम पहले रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम तो पीएम समिति का भी बहुत शुक्रिया दान है जो उन्होंने हमारे को कर्ज दे के हमारे को अपने पैरों पर खड़ा किया है। हम आज कमा रहे हैं, हम किस्त भी निकाल रहे हैं, जो हम काम नहीं करेंगे हम किस्त कहाँ से निकालेंगे? कल को हमारा सिविल खराब हो जाए, कल को हम कुछ और भी नहीं ले सकते, हमारे ऊपर तो संकट है। जगह अलॉट करवाई जा रही है, आप लोगों को बताया जा रहा है, तो वहाँ पे जाने का आपका मन है या नहीं? नहीं बेटे, वो जो जगह है ना वहाँ पे किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है, रोड है, चलता रोड है, वहाँ पे पानी की नहीं है, बाथरूम की नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है, वहाँ पे और संकट है। वहाँ पे तो आप ये बताओ, मान लो कोई लगातार पानी भी तो चाहिए ना पीने के लिए, कोई कस्टमर आएगा बैठेगा, छांव भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए ना वहाँ पे, कोई कोई सुविधा नहीं वहाँ पे, कोई रोड पे क्या सुविधा होगी? आप ये रोड पे कोई सुविधा नहीं। तो देख सकते हैं आप, कुछ लोग जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है फड़ी एज इट इज जो है लगाई जाए। आप भी लगा रहे हैं? जी मैडम, चाय की दुकान हमारी रेडी हटाई जा रही है मैडम, कैसे हम कमा, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाए उनको? कितने सालों से लगा रहे हैं? हमें 8 साल से रेडी लगा रहे हैं यहाँ पे। पहले कभी ऐसा हुआ, कोई नोटिस मिला, कुछ हुआ? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से आए हैं, अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अचानक में कहाँ जाए मैडम, हमें कोई जगह देना चाहिए लगाने के लिए, ऐसा जगह तो जहाँ सुविधा हर चीज की। किसी ने कोई चाल रची है, किसी तरह की साजिश है जिस तरह से आप लोगों को? मैडम किसी ने क्या किया ये तो नहीं पता। शिकायत भी लगाई जा रही है आपकी की उठाया जाए? हाँ जी शिकायत लगाई गई है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा बंदा लगाया शिकायत। आप क्या चाहते हैं, यही रहना? हाँ जी मैडम, हम ये रहना चाहते हैं, यहाँ से रेडी ना हटाई जाए। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है कुछ लोग जो है विरोध करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और किस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी फड़ी लगाकर जो है ये तमाम लोग जो है आप देख पा रहे हैं कि ये फड़ी जो है यहाँ पर लगाई जा रही थी, लेकिन आज जो है 8 से 10 साल के बाद जो है अचानक से जो है ऑफिसर्स आते हैं और इन फड़ियों को जो है हटाने का जो है आज प्रयास किया जा रहा है और कुछ लोग जो है विरोध में और कुछ लोग चाहते हैं कि यहीं पर जो है यहीं पर लगाई जाए इन फड़ियों को। और 8 से 10 साल जो है यहाँ पर काम करते करते हो गया, कितने साल हो गए आपको? यहाँ 10-11 साल हो गए। तो पहले कभी ऐसा हुआ हटाया गया? तो कभी नहीं हुआ था अभी इधर। तो पहले किसी को तकलीफ क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? अब मुझे क्या पता पहले क्यों नहीं हुई, पहले क्या सिस्टम था पता नहीं, क्या हुआ पहले यहाँ था फिर नीचे उतार दिया, उसके बाद अब किसने शिकायत करी होगी? कुछ लोग तो आपके हक में भी है की आपके साथ, मार्केट वाले सारे हक में ही है, नहीं चाहते वो यहाँ से जाओ? ना ये नहीं चाहते यहाँ से जाओ, वो परली मार्केट वाले हैं, वो लोग तो कहते हैं। अगर आपको जगह अलॉट कराई जाएगी वहाँ पर जहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्या जाएंगे आप लोग वहाँ? तो वहाँ कैसे जाए, अभी कुछ भी व्यवस्था बाहर से हटे, कोई उठा के ले गया काउंटर फिर नहीं। हादसा हो जाए, चलता रोड है, वो हादसा हो गया उसको जिम्मेदार कौन होगा चीज के लिए? आप लोग कह रहे हो कि वहाँ बैठ जाएं, चलो ये भी कह रहे हैं हम सफाई भी करा के दे देंगे, लेकिन कल को चलता मेन रोड है, कल को बच्चा भी फैमिली के साथ आता है जो एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी चलती है, मेन रोड है वहाँ पे कौन जिम्मेदार होगा? एक्सीडेंट हो गया फिर रेडी वाले पे पड़ेगा ना। तो क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? अपील यही करना चाहेंगे कि अब जहाँ लग रही है वहीं पे थोड़ा रेस्ट करके जो भी साफ सफाई होगी हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं आपकी विदाउट नोटिस के जो है ये बात कही गई है और ऐसा जो है हुड ऑफिसर्स ने बयान दिया है कि हम इन लोगों को नोटिस नहीं दे सकते हैं लेकिन बड़ी दुकानों को दे सकते हैं। और इसी तरह से जो है ये मामला सामने आया कि 8 से 10 साल होने के बाद किसी को 12 साल भी हुए, 15 साल भी हुए फड़ी लगाते हुए, लेकिन फड़ी लगाने के बाद जो है आज इनको अचानक से विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन जो है हटाया जा रहा है और विरोध करते हुए ज़रूर ये लोग नज़र आ रहे और चाहते हैं कि यहीं पर रहे क्योंकि सड़क पर जो है हादसे का भी खतरा रहेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है इनको डिस्कनेक्ट कर सकती हैं, इनके साथ कोई भी हो सकता है, ऐसा जो है इनका कहना है। आप लोगों से अपील रहेगी इनके सहयोग के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वोट्स न्यूज़ पे मेरे अनुसरण के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।